हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम जेपी यूनिवर्सिटी से। बस नाश्ता करने जा रहे हैं और फिर अब कॉलेज से वापस निकलेंगे। आज हम पहले कॉलेज से सोच रहे हैं कि प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से शिमला चले जाएँ। शिमला कोई 25 किलोमीटर है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर, तो शिमला चले जाएँगे। फिर शिमला से निकलेंगे आज दिल्ली के लिए। तो आपको ये व्लॉग में शिमला दिल्ली दोनों दिखाते हैं। बस अब नाश्ता करते हैं और फिर आगे का विचार बनाते हैं। ये जी बस अपना कॉलेज, विवेकानंद भवन कहते हैं इस जगह को। सामने ये हॉस्टल है, ऊपर ये पूरा पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। अब हम यहाँ से सीधा सीधा जा रहे हैं हमें इसके लिए। मैस से बढ़िया अपना नाश्ता हो गया, अब चलते हैं कॉलेज से शिमला के लिए रवाना होते हैं। बाहर से नज़ारा, आज़ाद हॉस्टल में हम अभी जहाँ हम रुके हुए थे कॉन्वोकेशन के लिए। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं जी वापस। ये पूरे के पूरे हॉस्टल है, नॉन दस फ्लोर्स अंडरग्राउंड हैं सारे हॉस्टल्स। ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, और बारिशों में मौसम काफ़ी प्यारा हो जाता है। ये अंदर सारी फैसिलिटीज हैं हॉस्टल के। जरा हमने जमा करा दी जी जिस कमरे में हम रुके थे। अब बस निकल रहे हैं वापसी को, बस कॉलेज को बाय बाय। अब देखते हैं अगला चक्कर कब लगेगा। देखिए हमारी एंट्रेंस जी कॉलेज की बस में बाकना घाट को। कैथली घाट रेलवे स्टेशन पे यहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन और जाएंगे शिमला। कैथली घाट का रेलवे स्टेशन, ये बिल्कुल ट्रैक है। ये ट्रेन पकड़ लिया जी हमने, हमारा टिकट कैथली घाट टू शिमला। तीन बंदे सिर्फ 90 रुपीज़ 30 रुपीज़ पर पर्सन। प्लेटफॉर्म 1701 मीटर्स पे। पूरे स्टेशन पे सिर्फ हम तीन ही लोग हैं ट्रेन पकड़ने वाले। आती है कालका से, सुबह कालका चलती है 4:45 AM पे, और शिमला पहुँचते 10:05 AM पे। तो वाकना घाट की तो सबसे नियरेस्ट स्टेशन है ये कैथली घाट। तो हमने देखा था कैथली घाट से कौन सी ट्रेन जाती है, तो कैथली घाट से ये वाली ट्रेन जा रही थी। 8:50 पे कैथली घाट से जाएगी और 10:05 पे ये पहुँच जाएगी शिमला। और ये जो आप पीछे रेलवे ट्रैक देख रहे हो, ये 1903 में बना था और 2008 में ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हो गया था। पूरा का पूरा माउंटेन हिमालयन ट्रैक इसको कहा जाता है। तो बढ़िया, बाकी तो आज फॉग पड़ी है। अब ट्रेन में देखते हैं, क्योंकि टिकट तो थी नहीं, हमने ऐसे जनरल की टिकट ली है 30 रुपीज़ पर पर्सन। अब देखते हैं ट्रेन आती है तो कौन सी सीट मिलती है, बताते हैं आपको। बन रही है ये जी पूरा ट्रेन का ट्रैक और ये ट्रेन का कोच। मेन हाईवे और ये ट्रेन जा रही है टनल में। ये पूरा अंदर का व्यू। पूरा डब्बा ही खाली पड़ा आज तो, बहुत ही बढ़िया मजेदार सीन है। और ये जनरल कोच लास्ट टनल क्रॉस की थी जी, वो है टनल नंबर 90। कालका से शिमला के टोटल जो टनल्स है वो है 101, और ये बाहर का बहुत ही बढ़िया है। सेम फॉग भी पड़ी हुई है बाहर, काफ़ी सुंदर है। चेन होती है यहाँ पे, बटन लगा हुआ है ट्रेन को।
स्टेशन अब हम क्रॉस कर रहे हैं जी। बारिशों में फुल फ्रेज फॉगी वेदर हो जाता है और ये बीच में से टॉयलेट ट्रेन का सफर। पहुँचने वाले जी बस तारा देवी मंदिर है, उसी के नाम पे स्टेशन भी है। तो बस तारा देवी पहुँचने वाले और ये बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे हमारे रास्ते में। तारा देवी के स्टेशन पे शिमला से 7 किलोमीटर है। जटोक के बाद समर हिल आएगा और समर हिल के बाद शिमला का स्टेशन। ये पूरा नज़ारा देखिए नीचे आगे जी, बस जटोक का स्टेशन। ओके जी, जटोक के स्टेशन पे हम निकल रहे हैं जी जटोक से। अब शिमला पहुंचने का अराइवल टाइम है, तो ऑन टाइम ही पहुंच जाएगी ट्रेन।
बाकी आप नज़ारे देख लीजिए, घने जंगल और बीच में शिमला तालुका। पहुंच रहे हैं बस शिमला। स्टेशन है, उतरने लगे हैं। बहुत ही बढ़िया राइड हो गई अपनी, बस आपको स्टेशन दिखाता हूँ। स्टेशन पे उतरने लगे हैं, शिमला का स्टेशन। टॉय ट्रेन का सोचा नहीं था, लगा था स्टार्टिंग में छोटा सा व्लॉग होगा, बट अब आगे शिमला जाना है हमने, तो शिमला घूमते हैं। ये वाला व्लॉग एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा इसे। बैग हम उठा रहे हैं और जा रहे हैं, स्टेशन से एग्जिट कर रहे हैं, पीछे ट्रेन आ रही है, ट्रेन कोई लगने वाली होगी। तो ये वाला व्लॉग एंड करते हैं जी, नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको शिमला दिखाते हैं। बाय बाय।